नारायणाय परिपूर्ण गुणार्णवाय विश्वोदय स्थितिलयोन्नियति प्रदाय ज्ञान प्रदाय विबुधासुर सुख्य दुख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनंद तीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं। भवदीयदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौली सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचते निधत्तां सन्निधिं मानसे च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरम्परां। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्तण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। पञ्चाशद्वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केर्वं प्राप्तं मां परिपालयेति सततम् याचे निबद्धांजलि। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तन विदौ नूनं मनाङ्मा कृताः श्री सत्यात्मगुरो त्वदङ्ग्रियुगलं हित्वा नमे सद्गतिः। यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं हरिः ओं हरिः ओं। स्वस्त्यस्तु। अशेषसन्मङ्गलानि सन्तु। श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपुटुतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधनीभूते अद्य सदाचारस्मृति विवरणारम्भे सति किञ्चित् पूर्वकथानुवादः। हरिः ओं हरिः ओं हरिः ओं। अब तक हमने सदाचार स्मृति के 7, 8, 9 श्लोक यहाँ तक गायत्री जप संध्यांग गायत्री जप और संध्या समाप्ति इसका विवरण दिया गया है। 7वां श्लोक में से आ गया है अर्कमंडलगम विष्णुम ध्यात्वैव त्रिपदीम जपेत सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशावरां। पहले विष्णु को ध्यान करके ही, जैसे हमने कहा सूर्यमंडल की कल्पना करो, देह सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टा। सूर्यमंडल की कल्पना करो, उसके अंदर एक कमल की कल्पना करो, उस पर पद्मासन से बैठे हुए भगवान विष्णु की कल्पना करो, सूर्यांतर्गत नारायण की कल्पना करो और उसके शंख चक्र हैं, सभी आभरणों से युक्त है और दो हाथों को अपने पैर पर रखा है। इतना हमें ध्यान करके गायत्री मंत्र करना है। ससूर्य दर्शना तिष्ठेत, और बाद में कहा गया है 108 बहुत श्रेष्ठ, 1008 बहुत श्रेष्ठ, 108 सामान्य और 10 अति सामान्य संख्या है जप करने के लिए। 100 का दर्शन होने तक हम खड़े होकर गायत्री मंत्र
करना है, बाद में चाहे बैठ सकते हैं या खड़े होकर ही पूरा कर सकते हैं। आसूर्य दर्शनात् तिष्ठेत ततस्तु उपविशेतवा पूर्वाम संध्याम सनक्षत्राम, प्रातःकाल की संध्या नक्षत्र के रहते और सायंकाल संध्या सूर्य के रहते हमें करना है। सायंकाल संध्या में तो बैठकर ही हमें जप इत्यादि करना है। और भगवान का वर्णन जो नरसिंह पुराण में आया है, देह सदास वित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण, आचार्य जी ने उसका पूरा विवरण दे दिया है। उसके अनुसार अभी हमारी संध्या समाप्त हुई। समाप्त होने के बाद उसके पहले कल किसी ने प्रश्न किया है कि तुलसी मणि माला किसे ही गायत्री जप करो, नहीं तो व्यर्थ होता है। वह वाक्य है तुलसी काष्ठ मणि भी, तुलसी काष्ठ के मणि बनाओ, उससे निर्मित गायत्री जपम कुर्यात् अन्यथा निरयम् व्रजेत्। गायत्री जप करना चाहिए, नहीं तो नरक को जाओगे। लेकिन पहले कहा गया है वेद माता तो गायत्री, वेद पर्वसु गीयते, वेद का अध्ययन जैसे अंगूठे में किया जाता है, इसलिए पर्वस के अंगूठे से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो अंगुली से ही करना चाहिए, इस तरह एक प्रमाण है। हमसे हमारे सौरभ दादा पूछते हैं कि एक ऐसा परस्पर अलग अलग प्रमाण आएंगे तो क्या करना चाहिए। इस तरह के प्रमाण के लिए हमारे यहाँ उसका निर्णय भी दिया गया है। इसका निर्णय ऐसा है, संध्या के अंतर्गत संध्या करते समय बीच में जो जप करते हैं उसको अंगूठे से ही करना है। यदि हमको और एक 10, 5,000, 1,000 करना है, 2,000 करना है, 5,000 करना है, एक्स्ट्रा करना है, उस समय जब ओम भूर्भुवस्वा तत्सवितुरवरेण्यं भर्गो, ऐसा नहीं होगा। उस समय का जप होगा तत्सवितुरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इतना ही। जप के लिए, होम के लिए इतना ही मंत्र हमको जप करना है। एक्स्ट्रा जप के लिए ओम भूर्भुवस्वा प्रणव और व्याहृति की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा जप करना है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो, ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इस तरह ही जो जप एक्स्ट्रा करते हैं उसके लिए माला की जरूरत होती है। उनमें तुलसी माला श्रेष्ठ है, उसके बाद स्फटिक माला भी श्रेष्ठ माना जाता है। दोनों में किसी एक को हमें लेना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद संध्या वंदन के संदर्भ में अभी कभी अशौच आया हुआ है, सूतक आया है। सूतक दोनों तरह के होते हैं, घर में किसी का जन्म हुआ तो वो वृद्धि सूतक माना जाता है और कोई मरे तो मृत सूतक माना जाता है। उस समय हमें क्या करना है, कुछ प्रमाण ऐसे हैं पूरी संध्या मन से करो, कुछ प्रमाण ऐसे हैं सिर्फ अर्घ्य तक तक करो। तो ऐसे संदर्भ में हमें क्या करना है, ऐसे समय में एक नियम है, आचमन करने के बाद प्रोक्षण मंत्र मन में करना चाहिए, अर्घ्य को थोड़ा जोर से बोल करके ओम भूर्भुवस्वा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस तरह जोर से बोल करके अर्घ्य देना चाहिए, बस वहाँ संध्या समाप्त। बाद में सूतक
वृद्धि सूतक के जाने समय तो गायत्री जप इत्यादि को नहीं करना चाहिए। इस तरह कहा गया है, लेकिन यह आचरण के विरुद्ध है। पूरा जब करो इस तरह करने वाला जरूरत नहीं, अर्घ्य तक ही संध्या करना यह श्रेष्ठ सम्मत है। हमारे यहाँ किसी मंत्र को संपुटीकरण करके मंत्र बोलो इस तरह नियम है, उसको क्या कहते हैं संपुटीकरण। अभी लक्ष्मी हृदय पारण करना है, पहले विष्णु हृदय नारायण हृदय, बाद में लक्ष्मी हृदय, बाद में नारायण हृदय, दोनों ओर से उसे बंद करना चाहिए। ब्रह्म सूत्र बोलना है ओम अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ओम, क्योंकि संपुटीकरण किए बिना मंत्र का जो सामर्थ्य है निकल जाता है। स्रवत्यनोंकृतम ब्रह्म परस्ताच्य विशेर्यते। वेद मंत्र बोलना है पहले ओम हरि ही ओम करके शुरू करो, अंत में हरि ही ओम करके समाप्त करो, ऐसा नियम है। क्योंकि वह जो मेन मंत्र है उससे जो ऊर्जा प्राप्त हुई रहती है, उससे जो शक्ति प्राप्त होती है, उसकी रक्षा के लिए आगे पीछे दूसरे मंत्र को जोड़ना बहुत जरूरी है। तो गायत्री मंत्र के लिए कौन सा संपुटीकरण मंत्र होगा? तो आचार्य जी स्पष्ट रूप से कहते हैं सदाचार स्मृति में, गायत्र्या त्रिगुणम ध्यायत अष्टाक्षरम जपेत प्रणम्य देवान विप्रांश्च गुरुश्च हरिपार्षदान एवं सर्वोत्तमं विष्णुं ध्यायन्नेव अर्चयेत हरिम। जितना गायत्री मंत्र करते हो उसको तीन गुना ओम नमो नारायणाय ओम जप करना है। 10 गायत्री मंत्र करेंगे तो ओम नमो नारायणाय ओम, ओम नमो नारायणाय ओम, ओम नमो नारायणाय ओम, ऐसे 30 गायत्री मंत्र करना, नारायण मंत्र करना है। 108 गायत्री करेंगे तो 328 बार ओम नमो नारायण मंत्र बोलना है। जब भी जो भी जप करो 3 गुना नारायण मंत्र करेंगे तो वह मंत्र संपुटीकरण, संपुटीकृतम जप बोला जाता है, जिससे वह शक्ति हमारे यहाँ बहुत स्थिर रहती है, उसकी बहुत जरूरत है। और उसके बाद सभी देवताओं को नमस्कार करना चाहिए, प्राच्ये दिशे यास्य देवता एतस्याम प्रतिवसन्ति, हमने किया है। और उसके बाद ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदना, ब्राह्मणों को नमस्कार करना बहुत जरूरी है, श्री गुरुभ्यो नमः परम गुरुभ्यो नमः, गुरु को भी नमस्कार करना अत्यंत आवश्यक है, और हरि के पार्षद जय विजयों का प्रार्थना करना अत्यंत आवश्यक है। इस तरह करके बाद में भगवान की पूजा हमें करना है। इसलिए हम पूजा के आरंभ में ही जयाय नमः विजयाय नमः नंदाय नमः सुनंदाय नमः द्वारपालकों को नाम पूजा करके उनकी अनुमति से हम भगवान की पूजा शुरू करते हैं। अभी नियमत है गायत्री जब होते ही नारायण मंत्र करना चाहिए या पूरी संध्या होने के बाद करनी चाहिए, तो इसके लिए प्रमाण है। गायत्री होते ही दिंग नमस्कार करो, देवताओं को नमस्कार करो, और बाद में 3 गुना नारायण मंत्र को करना है, 3 गुना नारायण मंत्र करना है। इतना होने पर ही पे बाद ही दूसरा मंत्र, तुम्हें कृष्ण मंत्र करना है क्लेम कृष्णाय नमः कर सकते हो। कुछ मंत्र
भगवान के अनुग्रह मोक्षदायक हैं, कुछ मंत्र हमारी इच्छा पूर्ण करने वाले हैं, कुछ मंत्र हमारा काम को जल्दी करने वाले हैं, इस मंत्र को जप आप कर सकते हैं। इतना करने के बाद हमें औपासन विधि करना है। औपासन विधि का मतलब क्या है? औपासन विधि है, हम सृष्टि के आदि से ही हम अग्नि के पूजक हैं। अग्न्यंतर्गत परशुराम के ही हम उपासक हैं। क्यों? अग्नि से ही यह पूरी सृष्टि, अग्नि के बिना पानी नहीं, पानी के बिना अन्न नहीं, अन्न के बिना हम नहीं, हमारे बिना संसार नहीं। इसको किस तरह हम माने, प्रमाण क्या है, कितके लिए प्रमाण है? मुखाद अग्निश्चेन्द्रश्च, सबसे पहले भगवान की मुख से अग्नि की उत्पन्न है, बाद में अग्नेरापः, अग्नि से पानी उत्पन्न हुए, अद्भ्यः पृथ्वी, पानी से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथिव्या औषधयः, पृथ्वी से औषधियाँ उत्पन्न हो गई, अर्थात हमारे खाने की चीज वनस्पतियाँ जो भी हैं सब उत्पन्न हो गए, उसों से हमारी जिंदगी का संरक्षण होता है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें अग्नि की उपासना करनी है। इसलिए संध्यावंदन होने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को छोटे से होम कुंड में पुरुष सूक्त से 16 आहुति देना है। इसे औपासन विधि कहते हैं। इसे किए बिना हमको पूजा करने का अधिकार नहीं मिलता है, श्राद्ध करने का भी अधिकार नहीं मिलता है, और दूसरे कोई भी काम करने के लिए अधिकार नहीं मिलता है। कर्नाटक महाराष्ट्र में थोड़ा छूट गया है, लेकिन अभी भी जैसे आप दक्षिण को जाएंगे, औपासन होम किए बिना कोई श्राद्ध नहीं करते हैं। लेकिन नए पुरोहितों का उपासना क्या है मालूम ही नहीं पड़ता। उपासना मतलब हमारी उपासना के अधिकार के लिए अग्नि की पूजा और उसका अनुमति लेकर के हमें आगे हमें करना है। वैसे तो उपासना अग्नि के लिए तीन मंत्र बहुत अत्यंत आवश्यक है। ध्रुवाय भूमाय स्वाहा, ध्रुव क्षितये स्वाहा, फिर एक बार ध्रुवाय भूमाय स्वाहा, ध्रुवाय ध्रुवक्षितये स्वाहा, अच्युतक्षितये स्वाहा, यह तीन मंत्र ही हैं, लेकिन संप्रदाय से आया यह अपूर्ण है, इसलिए पूर्ण सूक्त से 16 आहुतियाँ दीजिए, यही औपासन होम माना जाएगा। और इतना ही नहीं, प्रतिमा पूजन हमें करना है, आ रहा है ना, कृष्ण की पूजा करनी है, और हमें विष्णु की पूजा करना है, देवी की पूजा करना है, शंकर की पूजा करनी है,
हनुमान की पूजा करनी है, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि श्रुति मंत्र से, वेद मंत्र के से हमारे हृदय में रहने वाले हमारे जो बिंब मूर्ति भगवान हैं, हर एक व्यक्ति के लिए एक भगवान बिंब रूप से उनके हृदय कमल में रहते हैं, उस बिंब मूर्ति की पूजा करके बाद में दूसरी पूजा करना चाहिए। घर घर में पूजा करके बाद में मंदिर में जाकर पूजा करना चाहिए। घर में ऐसा ही छोड़ करके नहीं कर जा सकते। उसी तरह हमारे शरीर में हमेशा हमारे साथ रहने वाले जो भगवान बिंब मूर्ति हैं, वो बिंब मूर्ति कौन है? हर एक के लिए गरुड़ वाहन नरसिंह बिंब मूर्ति हैं सबसे पहले। बाद में हमारी बिंब मूर्ति हमारे गुरु जी उपदेश देंगे, लेकिन सबसे पहले हमें उसे करना है, उनकी पूजा करना है। उनकी पूजा कैसे करना है? षोडश उपचार पूजा हमें करना है। ओम सहस्रधीर सापुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम बिंबमूर्तिम नरसिंहम आवाहयामि। बाद में पुरुष ए वेदम, इस दूसरे मंत्र से बिंबमूर्ति बिंबमूर्ते नमः आसनम समर्पयामि। एतावानस्य महिमा अतोज्जायांस्य पुरुषा, इस मंत्र से बिंबमूर्ते नमः अर्घ्यम समर्पयामि। सब मानसिक है, अर्घ्य इत्यादि नहीं करना है, सिर्फ मन से प्रार्थना करना है। तस्मात् विराड जायत, इस पांचवें मंत्र से आचमनीयम समर्पयामि। यत् पुरुषेण हविषा, इस मंत्र से स्नानम समर्पयामि। तम यज्ञम बर्हिषि पोक्षन, इस सातवें मंत्र से वस्त्रम समर्पयामि। तस्माद् यज्ञात् सर्वभूता, इस आठवें मंत्र से यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तस्माद् यज्ञात् सर्व तस्माद् यज्ञात् सर्वप्रसादाज्यम, इस मंत्र से गंध समर्पण करना चाहिए। गंधम समर्पयामि। तस्माद् अश्वा अजायत, इस दसवें मंत्र से पुष्प का समर्पण करना चाहिए। यत् पुरोटम यदा दुःख तदा व्यकल्पयन, इस ग्यारहवें मंत्र से धूपम समर्पयामि समर्पण करना है। और चंद्रमा मनसो जातः ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत, इस बारहवें मंत्र से दीपम समर्पयामि दीपम समर्पयामि। चंद्रमा मनसो जातः, इससे नैवेद्यम समर्पयामि। सप्तास्यासन परिधयः, इस मंत्र से प्रदक्षिणाम समर्पयामि। यज्ञेन यज्ञमय जयंतम, इस करके फिर आप हमारे हृदय में ही स्थिर रहिए, आपकी अनुमति से हम पूजा करते हैं। इस तरह हमें बोलना है। लोगों में एक गलत फहमी है, पूजा सीखना बहुत कठिन है, उतना सब कौन सीखेगा, ब्राह्मण को बुलाकर पूजा कराएंगे, ब्राह्मण को भोजन करके रोज की पूजा कराना है तो आधा पुण्य उसको देना पड़ेगा, तुमको आधा ही मिलेगा। यज्ञ याग इत्यादियों के लिए, दूसरे सत्यान पूजा आदियों के लिए तो उनको बुलाना बहुत जरूरी है, लेकिन रोज की पूजा के लिए हम ही कर सकते हैं, नहीं तो उन्हें आधा पुण्य देना पड़ेगा। नहीं, पूजा षोडशोपचार पूजा वो 16 विधानों को कौन याद रखेगा? यह बहुत आसान है पूजा, यह पूजा प्राइमरी स्कूल के बच्चों को भी आती है, हाई स्कूल के बच्चों को भी आती है। कैसे? आपको किसी ब्राह्मण को अपने घर बुलाना है,
अब क्या करते हैं, पहले जाकर के आप हमारे घर आइए, यही आवाहयामि। पहले उनके बारे में सोचते हैं ध्यायामि, और उन्हें बुलाते हैं आवाहयामि। आने के बाद आए बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, आसनम समर्पयामि। तो बाहर से आए हाथ धो लीजिए, आज तो कोरोना बहुत ज़्यादा है तो हाथ धो लिए, अर्घ्यम समर्पयामि, और पैर धो लीजिए, पाद्यम समर्पयामि। तो आप बहुत दूर से आए हैं, प्यास लगी होगी, पानी पीजिए, आचमनीयम समर्पयामि। और बहुत दूर से आए थोड़ा चाय लीजिए, मधुपर्कम समर्पयामि। कल से चाय बना करके भगवान को मधुपर्कम समर्पयामि मत करो, मधुपर्कम समर्पयामि। और उसके बाद उनको बुलाया, मधुपर्क दिया, बाद में फिर पानीयम समर्पयामि, आज पुनराचमनीयम समर्पयामि, थोड़ा पानी पीजिए। और उसके बाद आप स्नान के लिए उठिए, अभिषेकम समर्पयामि। आपका कपड़ा गंदा हम धो लेंगे, नया स्त्री का कपड़ा ले लीजिए। वस्त्रम समर्पयामि। और आप बहुत दूर से हैं तो पसीना का बास आता होगा, तो मैं यहाँ पर दिया धूप लगा रहा हूँ, धूप में बैठे, धूपम समर्पयामि। अरे आपसे बातचीत करने लेकिन अंधेरे में ठीक तरह से नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए लाइट लगाऊंगा, दीपम समर्पयामि। अच्छा आप खाने के लिए उठिए, नैवेद्यम समर्पयामि। नहीं, उसके पहले थोड़ा और दो बाकी रह गए, गंधम समर्पयामि, अत्तर लगा लो, गंधम समर्पयामि। अरे आपको पूजा को बुलाए लेकिन आपको यज्ञोपवीत देना भूल गया, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। बाद में खाने के लिए उठिए, नैवेद्यम समर्पयामि। बीच बीच में पानी लीजिए, मध्य मध्य पानी हम समर्पयामि। उसके बाद हाथ धोने के लिए पानी लीजिए, हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि। मुंह धोने के लिए पानी लीजिए, मुख प्रक्षालनम समर्पयामि। तो खाना खाया है उसमें रसम का और भाजे का बास आ रहा होगा, मसाला का, इसके लिए करो द्वर्तनार्थे गंधम समर्पयामि, थोड़ा गंध लगा लीजिए, वो बात चला जाएगा। और तो बहुत दिनों से हो गए हम लाइट में जा कर के बैठेंगे, तो आपके लिए लाइट लगाया, आर्तिक्यम समर्पयामि। और उसके बाद तो आप आए, बहुत अच्छा हुआ, आपके समान बहुत अच्छे कोई नहीं है। प्रार्थनाम समर्पयामि। अच्छा तो आपके जाने के समय हो क्या क्या? अच्छा ठीक है, तो फिर थोड़ा थोड़ा पानी, थोड़ा कुछ खा करके जाइए ना, बहुत दूर जाना है, इसलिए उत्तर पूजाम समर्पयामि। जाने के बाद श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, उनके बारे में सोचना, उनको बुलाना, उनको बैठ बिठाना, उनको अर्घ्यपाद देना, उनको हाथ पैर धोने के लिए पानी देना, और पीने के लिए पानी देना, और कुछ खाने के लिए या चाय देना, फिर पानी देना, स्नान को उठाना, धुला हुआ कपड़ा देना, गंध देना, फूल माला तुलसी माला देना, यज्ञोपवीत देना, और बाद में धूप देना, सुगंध उद्बत्ती लगाना, अगरबत्ती लगाना, धूप धूप हो गया, लाइट लगाना, आर्तिक्यम समर्पयामि हुआ, भोजनम समर्प नैवेद्यम समर्पयामि, भोजन खाइए, हस्त प्रक्षालनम मुख प्रक्षालनम, हाथ धोने के लिए पैर धोने के लिए पानी दीजिए। और आप आए इसी तरह आते रहिए,
इस तरह प्रार्थना हम समर्पयामि। अच्छा जा रहे हैं तो थोड़ा खा करके जाइए, उत्तर पूजा हम समर्पयामि हो गया। देव भगवान की पूजा क्या कठिन है, जब तक मंत्र नहीं आता है ना, नारायणाय नमः तो कृष्णाय नमः आवाहयामि कृष्णाय, संस्कृत में उसको एक बार सीख लीजिए, नहीं तो भगवान आप श्री कृष्ण भगवान आपका स्मरण करता हूँ, भगवान हमारे घर आइए, श्री कृष्ण आय नमः आसन पर बैठ जाइए, श्री कृष्ण आय नमः हाथ धो लीजिए, श्री कृष्ण आय नमः पैर धो लीजिए, पूजा कर सकते हैं, कितना सुलभ है। हाँ बाद में मंत्र आते हैं तो एक पुरुष सूक्त आया तो भी एक एक मंत्र से एक एक पूजा, अभी मैंने जो कहा वो अभी हम कर सकते हैं, नहीं तो केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः बोल के एक एक नाम से पूजा करो। लेकिन बाद में मंत्र को सीखना जरूरी है, इसके लिए देव पूजा कुछ भी कठिन नहीं है। तो इसके लिए हम इसके आगे देव पूजा के बारे में विस्तृत रूप से चिंतन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह सब कुछ हुआ संध्या सूर्योदय के समय में हो गया, पूजा तो 11 बजे करना है, बीच में क्या करना है, बीच में मोबाइल पर क्या देखना है, क्या करना है, सब कुछ हम कल सोचेंगे उसके बारे में। श्री कृष्णार्पणमस्तु।